मिट्टी धुंध जग चानन होया मेरा सतगुरु प्रकट होया। गुरु नानक देव एक ऐसी संत परंपरा के संत जिन्होंने हमें छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमारी दिनचर्या में सादी सादी बातों के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश की, हमारी सुरती लगाने की कोशिश की। नानक ने जिसे सुरती कहा, बुद्ध ने उसे ध्यान कहा, पतंजलि ने उसे योग कहा और महावीर ने उसे निर्विकल्प और सविकल्प समाधि कहा। यानी सुरती लगाना, मीनिंग देयर बाय के अपनी सूरत को प्राप्त करना। अपनी सूरत क्या, यानी अपनी आत्मा को जगाना। मूरत सब लोग देखते हैं, सूरत कोई कोई देखता है। यानी हम व्यक्ति के शरीर को ज्यादा देखते हैं, व्यक्ति की आत्मा को नहीं देखते। और इसी आत्मा को जगाना, आत्मावान होना सुरती कहलाता है। नानक काबा में गए, ऐसा नहीं कि जिस तरफ पैर किया उस तरफ काबा घूम गया। द मैसेज इज दैट परमात्मा सब जगह, जो मंदिर के अंदर है, जो मस्जिद के अंदर है, जो गुरुद्वारे के अंदर है, वही मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे के बाहर भी। यानी परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो गुरु नानक ने कहा कि मेरे पांव उस तरफ कर दो जिस तरफ काबा ना हो, यानी मेरे पांव उस तरफ कर दो जिस तरफ भगवान ना हो। He wants to tell us that God is everywhere. रिंझाई ने यही किया अपने बुढ़ापे में, when he got self-realized. सुरती और self-realization is also same. गुरजेव ने क्रिस्टलाइजेशन का, इट इज ऑल्सो द सेम। कृष्णा मूर्ति ने सेल्फ रिमेम्बरेंस का, इट इज ऑल द सेम। मीनिंग देयर बाय रिंझाई ने अपने अंत समय में जो उसका मस्जिद थी पहाड़ के ऊपर थी, पहाड़ पर जाना आना ही बंद कर दिया, मस्जिद में जाना आना ही बंद कर दिया, नीचे बैठने लगा। लोगों ने कहा कि सारी उम्र तुम मस्जिद जाते रहे, अब बुढ़ापे में तुम्हें क्या सूझी कि तुमने मस्जिद जाना बंद कर दिया। तो रिंझाई ने कहा कि जिस दिन से जाना कि मस्जिद में बैठा और मस्जिद के बाहर एक ही है, उस दिन से ऊपर जाने की इच्छा नहीं हुई, पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा नहीं हुई, मस्जिद में जाने की इच्छा नहीं हुई। यानी द डे आई रियलाइज दैट सेम गॉड इज इनसाइड बट इज आउटसाइड, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग। वायजिद के बारे में कहते हैं कि उसको छाती में कीड़े हो गए थे और मस्जिद जाना बंद कर दिया, उन कीड़ों को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि झुकता था तो कीड़े गिरते थे तो मरते थे। तो उसने सोचा कि कीड़ों की हिफाजत करूं, कीड़ों को संभाल संभाल कर, छाती को संभाल संभाल के चलता। लोगों ने कहा, वायजिद जब तू बीमार हुआ तो तूने भगवान को याद करना छोड़ दिया। उसने कहा, ऐसा नहीं, जिस दिन से जाना कि इस कीड़े में भी वही भगवान है जो मस्जिद में बैठा है, उस दिन मस्जिद जाना बंद कर दिया। इसलिए परमात्मा सब जगह एक है, इसका उदाहरण गुरु नानक ने अनेकों उदाहरणों से हमें दिया कि परमात्मा सब जगह एक है, हर व्यक्ति में एक है, इसलिए हमें कोई भेदभाव नहीं रखना। कहते हैं गुरु नानक देव एक गरीब व्यक्ति के घर गए, उसने रूखी सूखी रोटी परोसी, इतने में एक सेठ आ गया, पूरा थाल सजाकर, चांदी के थाल में पूरा खाना, खीर पूड़ी हलवा लगाकर लाया, परंतु गुरु नानक देव ने रूखी सूखी रोटी खाना पसंद किया। तो सेठ नाराज हो गया, उसने कहा, मैं इतनी मेहनत से, इतना
इकट्ठा करके सब कुछ आपके लिए खाना लाया हूँ और इतना स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाया और तुमने ये नहीं खाया और इसकी रूखी सूखी रोटी खाते हो। तो नानक ने एक हाथ में उसकी पुड़ियां ली, एक हाथ में उसकी रूखी सूखी रोटी ली। जिस तरफ रूखी सूखी रोटी थी जब उनको निचोड़ा तो दूध निकला, और जिसकी घी वाली पूड़ियां थी जब उनको निचोड़ा तो उनमें से खून निकला। तो गुरु नानक देव ने कहा कि तेरी कमाई नेक कमाई नहीं, इसने भले ही मुझे रूखी सूखी रोटी दी पर अपनी नेक कमाई में से दी। यानी यदि हम भगवान को कुछ भी अर्पित करें तो अपनी नेक कमाई से अर्पित करें, रादर हम करें ही नेक कमाई। और नेक कमाई क्या? हमारा अच्छा आचरण, हमारा अच्छा व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारे अंदर प्रेम का भाव, हमारे अंदर दया का भाव, हमारे अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हो, यही सच्ची सेवा, मानवता की सेवा है जो गुरु नानक देव ने हमें उदाहरण दिया कि हमें अपनी नेक कमाई से कार्य करनी चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं गुरु नानक देव किसी बस्ती में गए। अब जैसे कहना नहीं चाहिए कुत्तों की गलियां होती हैं, ऐसे ही पंडित पुरोहित जितने भी सब लोग होते हैं अपने एरिया बांट लेते हैं, हिजड़ों के भी एरियाज होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी अपने एरियाज बांट लेते हैं, हर एक का अपना अपना बंदा बंदा एरिया। तो गुरु नानक देव एक बस्ती में गए, वहां किसी पीर का एरिया था। उस पीर ने गुरु नानक देव को एक दूध से भरा कटोरा पूरा लबा लब जरा सा हिलाओ तो दूध गिरे उनके पास भेजा। गुरु नानक देव के शिष्यों ने सोचा कि ये क्या पहेली है। गुरु नानक देव तो समझ गए, उन्होंने उसके ऊपर एक चमेली का फूल रखा और उस दूध के कटोरे को वापस भेज। शिष्यों ने पूछा, गुरु नानक जी इसका क्या अभिप्राय है, इससे क्या संदेश है? तो गुरु नानक देव ने कहा कि उस पीर ने हमें ये कहने की कोशिश की कि इस बस्ती में बहुत संत महात्मा है, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, परंतु मैंने चमेली का फूल डालकर उसे कहा कि जिस तरह से ये चमेली का फूल इस दूध के कटोरे की शोभा बढ़ाएगा, इसी तरीके से मैं भी तुम्हारी बस्ती में आकर तुम्हारी ही शोभा बढ़ाऊंगा। मैं कोई तुम्हारा स्थान लेने के लिए नहीं आया। यानी सबका स्थान अपना अपना है। कोई व्यक्ति हम ये सोचे कि मैं इसकी कुर्सी ले लूं, कोई ये सोचे कि मैं इसका कार्य कर दूं, तो हमारे अंदर ये ईर्ष्या है। We should not be jealous with each other. Rather, we should try to give place to everyone and try to absorb and assimilate everyone within us. That is very important in life. हम अपने दुश्मनों को भी अपने अंदर स्थान दें तो हम आत्मावान। यदि हम कहें कि ये मेरा दुश्मन है और इस कमरे से बाहर निकल जाए तो हमने जीवन में कुछ नहीं सीखा। यानी there is a place for each and every individual and we should try to absorb and assimilate everyone. क्षत्रिय होते हुए भी गुरु नानक देव शूद्रों के घर में खाना खाते। लोगों ने एतराज किया परंतु गुरु नानक देव ने वही संदेश दिया, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन। यानी एक ही आत्मा का, एक ही ब्रह्म का, एक ही परमात्मा का हम सब स्वरूप हैं। हमारे में कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई जाति कोई पाति कोई संप्रदाय हमारे अंदर नहीं है। ऐसा संदेश गुरु नानक देव, सब पर कृपा की गुरु नानक देव। मजनू का टीला देखा आप लोगों ने दिल्ली में आईएसबीटी से पहले? कहते हैं गुरु नानक देव जैसे हरिद्वार का दिखाया, हरिद्वार से कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र में कुछ संदेश दिए, पानीपत में समय कम है संदेश दिए, फिर दिल्ली पहुंचे। अच्छे व्यक्ति का हर जगह विरोध होता, गुरु नानक देव का भी हुआ, हरिद्वार में विरोध हुआ, कुरुक्षेत्र में विरोध हुआ, पानीपत में विरोध हुआ, पर सबकी शंकाओं को समाप्त करते हुए दिल्ली पहुंचे। मजनू के टीले पर आकर मर्दाना ने म्यूजिक बजाया, गुरु नानक देव की स्तुति लगी, बीच में किसी के रोने की आवाज। तो मर्दाना को पूछा भी देख कौन रो रहा है, जाकर देख। और कहते हैं वहीं पर मजनू के टीले के पास ही लाल किला थोड़ी दूर है, उसके पास ही इधर हाथियों की जगह थी, हाथी खाना था उसका, फली खाना बोलते थे उसे, वहां पर उसके हाथियों के
पालने वाले महावत और दूसरे लोग रहते थे, साथ में हाथी रहते। तो मर्दाना ने आकर बताया कि एक हाथी मर गया, इसलिए जो महावत है उसका परिवार रो रहा है क्योंकि राजा गुस्सा करेगा, हाथी मर गया। गुरु नानक देव स्वयं उठकर वहां पर गए और कहते हैं कि जब उनका परिवार रोता देखा तो गुरु नानक देव ने कहा कि सब पर कृपा राम की, सब पर भगवान कृपा करेंगे, इस हाथी पर भी कृपा करेंगे। और ऐसा कहने से हाथी जीवित हो गया। हाथी जीवित हुआ, सुल्तान को पता लगा कि ऐसा कौन आया जिसने हाथी जीवित कर दिया। सुल्तान ने आके शंका की कि शायद हाथी मरा ही ना हो, शायद थोड़ा सा बेहोश हो, पानी के छींटे मारे हो और हो सकता है खड़ा हो गया हो, हाथी मरा ही ना हो। तो सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हें नानक तब मानूंगा, मैं तुम्हें फकीर तब मानूंगा, मैं तुम्हें संत तब मानूंगा जब तुम इस हाथी को दोबारा से मारो। कहते हैं गुरु नानक देव ने फिर एक ओंकार कहा और वो हाथी फिर मर गया। उसने कहा कि अब फिर जिंदा कर दो। गुरु नानक देव ने कहा जिंदा तो मैं इसको कर दूंगा, परंतु तुझे बताना चाहता हूं कि भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। कोई मैंने कोई करिश्मा नहीं किया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ मेरे अंदर जो पुकार है, जो मेरे अंदर ओंकार का नाद है, वो नाद भगवान के नाद से मिलता है, ब्रह्म नाद से मिलता है। ऐसा कहते हैं पहले ओंकार की ध्वनि हुई, फिर एकंकार की हुई, फिर ओंकार की ध्वनि हुई। तो उस ओंकार से मेरा जो मेरे अंदर जो ध्वनि है वो ध्वनि परमात्मा की ध्वनि से मिलती है, और उस ध्वनि जब दोनों का एकीकरण हो जाता है तो कोई जिंदा या कोई मरता नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू। और फिर गुरु नानक देव ने उस हाथी को जिंदा किया और उस सुल्तान ने गुरु नानक देव के चरण छुए, उन्हें अपना फकीर माना, उन्हें अपना गुरु माना, उन्हें अपना